पीछे का मिनिमाइज कर लेते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा है और स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर या सर्कुलर कंडक्टर हो तो उसमें हम लोग डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे, तो उसमें हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, उससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन ए करेंट, फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर। ये टॉपिक का नाम लिख दीजिए, फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर, करेंट कैरिंग कंडक्टर, करेंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आता है तो उस पर क्या होता है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स फील किया जाता है। कैसे फील किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आप लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की एक्टिविटी को एक्सप्लेन कीजिएगा, तो वही एनसीईआरटी की एक्टिविटी को ही हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक देखिए, एक जो हम लोग डायग्राम बना रहे हैं कुछ इसी तरीके से, हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर एक कंडक्टर हम लोग लेते हैं। सपोज करो ये पहले एक हॉर्स शू मैग्नेट लिए, हम एक हॉर्स शू मैग्नेट लिए, हॉर्स शू मैग्नेट लिए, ठीक है, हॉर्स शू एक मैग्नेट ले लिया हमने, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर लगा दिया। एक कंडक्टर है, एक एल्यूमिनियम का फॉइल ले लिया एक मैंने, है ना, एक एल्यूमिनियम का ले लीजिए कंडक्टर यहां पर, ठीक है, और यहां पर क्या किया जाता है कि इसमें करंट फ्लो कराया जाता है, इसमें क्या कराया जाता है, करंट फ्लो कराया जाता है, करंट फ्लो कराया जाता है। करंट कैसे फ्लो कराया जाता है, तो ये कंडक्टिंग वायर के द्वारा, कंडक्टिंग वायर के द्वारा यहां पर बैटरी से जुड़ा हुआ है, बैटरी से यहां पर जुड़ा हुआ है, और इसको ये ऐसे राइट, ये कनेक्ट हो गया, सॉरी ये यहां पर सेल से कनेक्ट हुआ, ऐसे गया यहां पर और इसमें से गया, और ये हो गया आपका पॉइंट ए, इसको मान लीजिए पॉइंट बी, ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, और यहां से गया और इस पे गया, है ना, एक मिनट इसका फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ये हमारा, एक मिनट, इसको हमने क्या किया, सेल से कनेक्ट किया, इसको हमने सेल से कनेक्ट किया, ये लीजिए बैटरी से हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, तो करंट का डायरेक्शन अब कैसे होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा, इसमें से किसमें गया, इसमें गया, और इसमें से ऐसे गया, और फिर इसमें से ऐसे बाहर आया, ऐसे बाहर आया, और ऐसे बाहर होते ये आएगा। देखिए ये क्या मैंने डायग्राम में क्या शो किया, इसको पहले देख लो, डायग्राम में मैंने शो किया कि एक ये एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, इसमें इसको हम लोगों ने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जानते हैं इधर पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो किया ऐसे, यानी कि करंट का डायरेक्शन अभी कैसे है, डी टू ए है, करंट का डायरेक्शन कैसे है, डी टू ए है, करंट का डायरेक्शन डी टू ए। अब आता है कि ये हॉर्स शू मैग्नेट जो है इसको हम लोग कैसे रखेंगे, इसको, इसमें भी दो पोल होता है, तो इसमें कैसे रखेंगे, नॉर्थ ऊपर रखेंगे कि साउथ नीचे रखेंगे, कैसे रखेंगे, मतलब इसको, इसका पोजीशन कैसे होगा, तो इसका पोजीशन कुछ ऐसे होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हो वो क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इसको देखिए, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाता है, एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, एक्सटर्नली कैसे जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। तो इस तरह से हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट को, हॉर्स शू मैग्नेट को हम लोगों ने इसको अरेंज कर दिया, और इसके बीच में क्या है हमारा, एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, यहां पर एक स्विच भी लगा दीजिए, यहां पर एक स्विच भी लगा दीजिए, यहां पर एक स्विच भी लगा देते हैं। जब यहां पर हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, जब इस स्विच को क्लोज करते हैं, जब इस स्विच को हम लोग क्लोज करते हैं, तब क्या हो जाता है, यहां से करंट
फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, बी से ए की तरफ करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, बी से ए की तरफ करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही इसमें करंट फ्लो स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि इसका जो डिफ्लेक्शन है, इसका जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट वार्ड में लेफ्ट की तरफ हो रहा है। इसका डिफ्लेक्शन क्या है? लेफ्ट की तरफ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग कंडक्टर जब किसी आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और इसी फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं, है ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है अभी और इसको एक्सप्लेन करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, आप अपने लेफ्ट हैंड का ये ऐसे ले लीजिए, थ्री फिंगर्स ले लीजिए लेफ्ट हैंड का इस तरीके से, लेफ्ट हैंड का थ्री फिंगर्स ले लीजिए इस तरीके से, है ना, और इस तरीके से थ्री फिंगर ले लिए और इसमें क्या कर दिए, ऐसा तीन फिंगर लीजिए, ऐसे लीजिए कि तीनों एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तीनों एक दूसरे का क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब देख लीजिए, सीधा याद रखना है FDI, ये F यानी कि जो फोर्स होगा, ये क्या, ये B, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये वाला उंगली बताएगा इलेक्ट्रिक करंट यानी ये I, लिख लीजिए आप उंगली पे, ये FDI याद नहीं करने में आपको ठीक रहेगा, FDI फोर्स है ना अमेरिका का, USA का, तो इस तरीके से आपको याद रखने में भी ठीक होगा, FDI फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, राइट, इस तरीके से हम लोग ऐसे सजा लेंगे, ठीक है, ऐसे हम लोग कर लेंगे, और इससे हम लोग को पता चलेगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किधर है, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स किधर लग रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो देखिए यहां पर अगर मान लीजिए इधर से आते हैं हम लोग, यहां इधर से ही रखना पड़ेगा, इधर से ही रखना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या है, करंट का डायरेक्शन है, ये क्या है हमारा, करंट का डायरेक्शन है, तो ठीक है इसको हम लोग करंट के डायरेक्शन में रख लिए। अरे यार इसको कैसे रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में हम लोग रख लिए इसको, एक मिनट, ये हो गया हमारा फोर्स और ये करंट, इस फिंगर को क्या करना पड़ेगा, हम करंट के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये फोर्स का डायरेक्शन हो, देख लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से देखिए, ये हमारा हो गया करंट का डायरेक्शन, ये फिंगर बता रहा है करंट का डायरेक्शन और ये फिंगर बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर होता है, तो ये जब आपको करंट का डायरेक्शन हो गया तो ये फिंगर क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, और ये फिंगर क्या बताएगा, फोर्स को बताएगा, इसलिए इसमें किधर हुआ, इसमें फोर्स किधर लगा है, लेफ्ट वार्ड लगा है, इसमें फोर्स किधर लगा है, लेफ्ट वार्ड लगा है। आप खुद जहां भी हैं वहां पर आप अपने लेफ्ट फिंगर को, लेफ्ट फिंगर को, ये जो सारा सिस्टम है ये ऐसे लटक रहा है, ये कंडक्टर ऐसे लटक रहा है, ये देखिए ये कंडक्टर ऐसे लटक रहा है, जरा देखिए ये कंडक्टर ऐसे लटक रहा है, ऐसे झुका हुआ है ऐसे। अगर ये पूरा 90 डिग्री पर होगा उसका भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे ये ऐसे अभी ऐसे लटक रहा है, और ये क्या है, यहां पर हॉर्स शू मैग्नेट है, यहां पर क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट है, जिसका साउथ पोल ऊपर है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये क्या है, नॉर्थ पोल है ना, हमारा जो थंब है वो नॉर्थ पोल है और ये जो है वो साउथ पोल है। तो अब इसमें डिफ्लेक्शन किधर होगा, तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा, डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा। क्यों लेफ्ट की तरफ होगा, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल से हम जानते हैं कि जब आप करंट के डायरेक्शन में आप अपना ये फिंगर रखते हैं तो ये वाला फिंगर करंट के डायरेक्शन में हो गया, तो ये वाला इसके परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये बताएगा क्या, फोर्स का डायरेक्शन यानी मोशन का डायरेक्शन। ये जो मूव करेगा, ये जो कंडक्टर में मोशन आएगा, फोर्स के चलते जो करंट में कंडक्टर में जो मोशन आएगा उसके डायरेक्शन को ये बताएगा। दूसरी बात, जैसे ही इसमें करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, ए टू बी कर दो, करंट के डायरेक्शन को क्या करोगे, ए टू बी करो, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, तो फोर्स का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। पहले लेफ्ट की तरफ हो रहा था तो अब किसकी तरफ होगा, राइट की तरफ होगा। पहले लेफ्ट की तरफ हो रहा था तो अब किसकी तरफ होगा, राइट की तरफ होगा। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं, जरा रिप्लाई कीजिए, इस बात को समझे आप लोग, इस बात को समझे आप लोग,
बताइए फटाफट, इस बात को आप लोग समझे हैं कि नहीं समझे हैं, रिप्लाई कीजिए। जैसे मान लीजिए आप सीधा सीधा पहले ये जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये दोनों परपेंडिकुलर होता है। और इन दोनों का परपेंडिकुलर पर क्या लगता है? हमारा फोर्स लगता है। ये क्या लगता है? फोर्स लगता है। अब आप लेफ्ट हैंड पर, यहाँ पर बोर्ड पे विजुअल नहीं होगा ठीक से, लेकिन आप लोग यहाँ पर ट्राई कीजिएगा। अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में अपना ये फर्स्ट फिंगर डाल रखते हैं तो ये हमारा क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हमारा क्या बताएगा? मोशन का डायरेक्शन। तो ये लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन होगा, तो ये लेफ्ट की तरफ हो गया। सर वीडियो रुकू करा रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये लेफ्ट में जाएगा। जैसे ही हमने यहां पर करंट के डायरेक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। यहां पर करंट के डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, तो जैसे ही आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? फोर्स का भी डायरेक्शन बदल जाएगा, राइटवर्ड होगा। दो केस हो गया। तीसरी बात कि जैसे ये नॉर्थ पोल नीचे था, ये साउथ पोल ऐसा था, हम लोग हॉर्स शो मैग्नेट को कुछ इस तरह से रखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? आउटवर्ड हो। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? आउटवर्ड हो। एक मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां पर आएंगे। क्या हुआ कि मैंने देखा कि यहां पर जो मैग्नेट, आपने हॉर्स शू मैग्नेट लगाया था, वो कुछ इस प्रकार से आप अरेंज किया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या था? मैग्नेटिक फील्ड क्या था? अपवर्ड था। अब हम लोग क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग चेंज करते हैं, यानी कि यहां पर एस है या एन है, अब इसको एन को यहां रखते हैं, एस को यहां रखते हैं, तब क्या होगा? तब अगर बी टू ए करंट फ्लो कराइएगा तो राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। तो क्या होगा? राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। एक मिनट, हम लोग एक एक करके नोट करते चलते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन कैसे कैसे हो रहा है। जब आप बी टू ए करंट को फ्लो कराएंगे तो डिफ्लेक्शन कैसे हुआ है? लेफ्ट वर्ड में हुआ है। और जब ए टू बी कराए हैं तो डिफ्लेक्शन कैसे हुआ है? राइट वर्ड में हुआ है। अच्छा, कब? जब मैग्नेटिक फील्ड जो था वो आउटवर्ड था। मैग्नेटिक फील्ड क्या था? आउटवर्ड था। अब मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड कर लेते हैं, यानी कि इसके पोल को चेंज कर देते हैं, यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल कर देते हैं। तब जब बी टू ए करंट जाएगा तो कैसे जाएगा? राइट वार्ड फोर्स लगेगा। किधर फोर्स लगेगा? राइट वार्ड फोर्स लगेगा। और जब ए टू बी जाएगा तो किधर लगेगा? लेफ्ट वार्ड फोर्स लगेगा। यानी कि हम लोग इससे क्या समझते हैं? हम लोग इससे दो कंक्लूजन निकालते हैं। एक कंक्लूजन निकालते हैं कि करंट टी थ्री कंक्लूजन। एक पहला कंक्लूजन तो हो गया कि स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वह मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। उस पर क्या लगता है? फोर्स एग्जर्ट होता है। अच्छा, दूसरा कंक्लूजन क्या था कि अगर डायरेक्शन बी टू ए होगा, मतलब यानी कि जैसे ही अगर आप करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, करंट के फ्लो के डायरेक्शन को जैसे ही आप चेंज करते हैं तो क्या होता है? मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, जो इस पर फोर्स लग रहा है, उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। या अगर आप चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करते हो, तो इसमें भी क्या होता है? आपको करंट का, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाता है? बदल जाता है। यानी आप करंट का डायरेक्शन बदल दो या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दो, दोनों ही बदलने से क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए फर्स्ट क्लास बता दिए कि आप अपने लेफ्ट हैंड के थ्री फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर आप रख लो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख लो, तो ये एफ बी आई, एफ का मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स यानी किस डायरेक्शन में मोशन होगा, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। एफ बी आई है ना, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, ये तीनों का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको आप बता सकते हैं। बताइए ये पॉइंट क्लियर है? जरा रिप्लाई कीजिए आप लोग।
ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को कि नहीं है? एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताइए, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने आएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा इसका मोटर का, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा मोटर का। अभी हम लोग इस रूल पे, दो रूल अभी हम बताए ना, इन दोनों रूल को हम लोग पढ़ लेते हैं और इस दोनों रूल पे आपको दो चीज बताएंगे, आपको मोटर बताएंगे और जनरेटर बताएंगे। जनरेटर में भी एसी डीसी दोनों जनरेटर बताएंगे आपको, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि इस प्रिंसिपल पे, कौन सा प्रिंसिपल है हमारा, कि इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर होता है, राइट हैंड का यूज नहीं होगा। वाई नहीं, इसमें राइट हैंड का यूज नहीं होगा। राइट हैंड का यूज हम लोग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग निकालने के लिए करते हैं, है ना? राइट हैंड का रूल, राइट हैंड वाला रूल जो है वो सिर्फ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने के लिए करते हैं। हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल देखिए, इसमें तीन चीज निकल जाएगा, एफ बी आई मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे है ना, ये तीन चीज का डायरेक्शन निकल, आपको तीनों का डायरेक्शन इसमें पता चल जाएगा फ्लेमिंग रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब चलिए आइए हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझते हैं, ये क्लियर है? चलिए इसको रफ करते हैं। अब हम लोग के बाद आते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सर नोट्स में हैंड वाला का फॉर्मूला भेज दीजिएगा, सर नोट्स में हैंड वाला का फॉर्मूला भेज दीजिएगा। हैंड वाला का फॉर्मूला क्या है? फ्लेमिंग जरूर भेजेंगे, जब आपको पढ़ाए तो वो चीज नोट्स में वही चीज भेजते हैं। चलिए अब आते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए अपने कॉन्सेप्ट को, रिकॉल कीजिए अपने कॉन्सेप्ट को कि आप लोग मैग्नेट इंडक्शन के द्वारा चार्ज कैसे कर रहे थे, इंडक्शन के द्वारा आप चार्ज कैसे कर रहे थे, किसी इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे थे ना, चार्जिंग कर रहे थे ना, किसके द्वारा? इंडक्शन के द्वारा कैसे कर रहे थे? उसमें बॉडी को फिजिकल टच नहीं कराना है, अलग ही रखना है, सिर्फ इंड्यूस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? दो मिनट में हम लोग उसको जरा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग ये मानिए। हम लोग कैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। यहां पर कोई बॉडी है जो न्यूट्रल है, यहां पर कोई बॉडी है जो न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, सब है इसमें, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी सब कुछ है, देख सकते हैं। जैसे ही आप इसको इससे करीब लेके आते हो तो आप जानते हैं कि लाइट पोल्स में, लाइट चार्जेज में रिपल्सर होता है और अनलाइट चार्जेज में अट्रैक्शन होता है। तो ये क्या करेगा? प्लस वाले को तो रिपल्स करेगा लेकिन माइनस वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये माइनस वाला तो इधर में आके बैठ गया और ये प्लस वाला इधर आके बैठ गया। अभी भी ये बॉडी चार्ज नहीं हुआ, अभी भी ये बॉडी चार्ज नहीं हुआ। अगर आप इसको हटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? फिर वैसे ही अपने पुराने स्टेट में आ जाएगा। अभी ये बॉडी चार्ज नहीं हुआ। अब आप क्या करते हैं? इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही आप अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये क्या करेगा? नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज तो नहीं मूव करेगा। मूव क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज तो बाउंड चार्ज है ना, वो तो पॉजिटिव जो होता है वो तो बाउंड चार्ज होता है ना न्यूक्लियस में, वो तो मूव नहीं करेगा। तो मूव कौन सा करेगा? तो मूव ये कहेगा कि भाई हम चार प्लस हैं इधर, अगर चार माइनस हो जाए तो हम भाई स्टेबल हो जाए, चार और माइनस हमें मिल जाए तो हम स्टेबल हो जाए। तो इनको क्या हो जाएगा? ये चार मिल करके इसको न्यूट्रल कर देगा और इस पर क्या आ जाएगा हमारे पास? नेट नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? नेट नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप इसको यहां से हटा दो और अर्थिंग को खत्म कर दो, अर्थिंग को भी खत्म करना पड़ेगा। इसको हटा करके आप अर्थिंग को खत्म कर दो, अब आपका बॉडी क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। आपका बॉडी क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। सेम कॉन्सेप्ट लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट तो सेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, लेकिन थोड़ा सा बात अलग है ना। यहां पर भी क्या होता है, अभी मैं बता रहा हूं इसके लिए, उसको बताने से पहले एक और टर्म मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक टर्म होता है, एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर।
ये गैल्वेनोमीटर होता है एक डिवाइस कुछ इस तरीके का, और यहां पर नीडल जो होता है वैसे तो बीच में होता है, लेकिन जब करंट पास करता है तो ये फ्लक्चुएशन होता है, इधर भी फ्लक्चुएट कर सकता है और इधर भी फ्लक्चुएट कर सकता है। अर्थिंग कौन सा देंगे? चार्ज वाले में अर्थिंग देने के लिए हम लोग मान लीजिए कि आप यहां पर अर्थिंग कौन सा देंगे नहीं समझा मैं, अर्थिंग आप यहां पर देंगे तो ये अर्थ से तो आप कितना भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं, अर्थ तो बहुत बड़ी बड़ी है। तो यहां से हम लोग हमारे पास केस था कि ये प्लस प्लस चार्ज इधर आ गया था, अब हमको इसको चार्ज करना था, तो चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्लस है, ये प्लस वाला क्या करेगा माइनस ले लेगा और ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको खत्म कर देंगे तो ये हमारा बात है ना। चलिए तो अब इसके बाद आते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर पे, हम लोग आ रहे थे। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, थोड़ा भी अगर करेंट मिनिमम करंट भी अगर फ्लो करेगा तो इसके क्या आएगा, इसमें डिफ्लेक्शन। चलिए ठीक, अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि हम लोग इसका यूज करेंगे। देखिए इसका यूज हम लोग करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर का हम इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इसमें यूज करेंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो सपोज कीजिए कि आपके पास कोई सोलेनोइड है, ये देखिए ये आपके पास कोई जो है सोलेनोइड है, इस प्रकार का कोई सोलेनोइड है, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया क्या, सपोज कीजिए कि ये आपके पास सोलेनोइड है, ठीक है, ये सोलेनोइड है राइट, और यहां पर कोई मैग्नेट लेके आई है, यहां पर मैग्नेट लेके आई, ठीक, मैग्नेट लेके आइए, आप जानते हैं यहां पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये क्या है साउथ पोल है, आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे, आप थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी पैटर्न ड्रॉ कर लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ड्रॉ कर लेते हैं तो एक्सटर्नली ये कैसे जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, एक्सटर्नली कैसे जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है ना, और इंटरनली कैसे जाता है, साउथ से नॉर्थ, इंटरनली कैसे जाता है, साउथ से नॉर्थ, इंटरनली कैसे जाता है, साउथ से आप देख लीजिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, और यहां पर हम लोग एक गैल्वेनोमीटर भी, यहां पर एक हम लोग गैल्वेनोमीटर भी इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने यहां पर जोड़ दिया, एक गैल्वेनोमीटर यहां पर जोड़ दिया, एक गैल्वेनोमीटर भी हम लोग यहां पर कनेक्ट कर दिए। अब देखिए जैसे ही इस मैग्नेट को, जैसे ही इस मैग्नेट को आप इस के अंदर लेके आते हैं, इस मैग्नेट को इसके अंदर लेके आ रहे हैं, इस मैग्नेट को इसके अंदर लेके आ रहे हैं, इस मैग्नेट को इसके अंदर लेके आइएगा तो देखना देखा जा रहा है क्या भाई, ये जो निडल है इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये निडल इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये निडल इधर गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, और फिर देखे अभी तो हम मैग्नेट को अंदर लेके आए थे, अब यहां से हम इस मैग्नेट को फिर बाहर की तरफ लेके गए, इस मैग्नेट को लेकर के हम अंदर आए तो देखे डिफ्लेक्शन हुआ, फिर अंदर ही रोक दिए मैग्नेट को, इसको अंदर लेके आए और यहीं पर मैग्नेट को रोक दिए, जैसे ही लेके आए तो डिफ्लेक्शन हुआ और रोक दिए तो फिर ये वापस अपने पोजीशन पर जीरो पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप इसको इसके एरिया में लेके आए थे, ये जब मूव कर रहा था तो क्या हो रहा था, इसमें करंट फ्लो कर रहा था, इसमें क्या कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था, तभी ना इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, और जैसे ही इसको आपने रोक दिया, मैग्नेट को रोक दिया तो करंट फ्लो बंद, इसलिए तो ये जीरो पर आ गया, और फिर देखे कि इसको पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, अब यहां से अभी तो आगे की तरफ लेके आए थे तो निडिल में डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ था, फिर बीच में हम थोड़ा देर के लिए रोक दिए तो फिर ये जीरो पर आ गया, फिर उसके बाद क्या देखते हैं,
कि इसको हम लोग पीछे की तरफ लेके जाते हैं। अब पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो यहां से जब हम इसको पीछे की तरफ लेके गए, जब इसको यहां से हम पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का नीडल में ऐसे डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये नीडल ऐसे आ जाए, ये नीडल ऐसे आ जाए, गैल्वेनोमीटर में इधर डिफ्लेक्शन हो रहा है। कहा इसका मतलब है कि अगर मैग्नेट को ऐसे, मैग्नेट को इधर मूव किया जा रहा था तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में ऐसे था, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में ऐसे था। और जब मैग्नेट को ऐसे मूव कराया जा रहा है तो देखा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे है डिफ्लेक्शन। यानी तीन ऑब्जर्वेशन इसमें मिला। आइए हम लोग, ये तो हमारा एक्टिविटी हो गया, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग को ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिला। तो पहला ऑब्जर्वेशन मिला कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करेंट, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करेंट, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करेंट। यानी कि जब आप इसको लेके अंदर आ रहे थे, जब अंदर आ रहे थे तो इनके और इनके बीच में क्या था, रिलेटिव मोशन था, इनके बीच में रिलेटिव मोशन था। तब क्या कर रहा था, इधर से करंट फ्लो किया। इन दिस फिगर बैटरी इज नॉट अवेलेबल, व्हाई व्हाई, कोई बैटरी नहीं चाहिए इसमें, क्या कीजिएगा बैटरी का, हम तो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप क्या जनरेटर में बैटरी लगा के जनरेटर चलाते हैं क्या, आप जनरेटर सेट में क्या बैटरी लगा के जनरेटर चलाते हैं, नहीं, जनरेटर से तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इसमें बैटरी की क्या जरूरत है, बिना बैटरी का यहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट का तो यूज हम लोग जनरेटर में करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग जनरेटर में करते हैं। तो कहिए सर, हम लोग पेट्रोल का खर्चा करते हैं उसमें, चाहे डीजल क्यों खर्च करते हैं, तो उसमें डीजल इसलिए खर्च करते हैं कि भाई वो डीजल क्या, वो डीजल से मशीन चलता है, मोटर चलता है, मोटर एक्चुअली कहिए उसको, और वो मोटर क्या करता है, मैग्नेट और क्वाइल के बीच में रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करता है, मैग्नेट और क्वाइल के बीच में रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करता है, और जिसके कारण क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। आएंगे हम लोग अभी हर तरह का, हम लोग जनरेटर ट्रांसफॉर्मर आप लोगों को बोला बताए थे वो सर, तो हाई पावर को मैग्नेट का जरूरी होगा, यस हाई पावर मैग्नेट का जरूरी होता है। तो आप देखते हैं ना कि हर जनरेटर का कैपेसिटी अलग अलग होता है कि नहीं, छोटा जनरेटर भी आता है, बड़ा जनरेटर भी आता है कि नहीं, हर जनरेटर की कैपेसिटी अलग अलग बनाई जाती है। चलिए तो पहले तो हम लोग इस बात को समझते हैं कि पहला कंक्लूजन हम लोग को क्या मिला कि when there are relative motion between coil and a magnet, then there are induced current flowing in the coil. इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग इन द क्वाइल, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, करंट को इंड्यूस किया गया। ये इंड्यूस कैसे हुआ, तो ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड क्वाइल, इनके बीच में जब रिलेटिव मोशन हुआ तो यहां पर करंट इंड्यूस हुआ, यहां पर करंट क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। और हमने ये भी देखा कि बाई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, बाई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्नेट करंट ऑल्सो गेट रिवर्स, करंट भी रिवर्स कर जा रहा है। जैसे ही आप मैग्नेट के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो उसी तरह क्या हो रहा है, करंट का भी डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। यानी दो बातें मिल गई आपको, एक कि व्हेन देयर आर रिलेटिव मोशन बिटवीन करंट एंड क्वाइल, मैग्नेट एंड क्वाइल, देन देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट, देन देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट। और जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो क्या होगा, यहां पर नेट डिफ्लेक्शन जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वहां तब तो करंट फ्लो करेगा ही, तब तो वहां पर करंट फ्लो करेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही फिर इसको हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, अब आप देखो ना ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो रहा है, आप खुद देखो ये फिगर को, इसको उठा करके हम और अंदर की तरफ अगर हम लेके आते हैं तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ बढ़, डेंसिटी बढ़ेगा, तो डेंसिटी बढ़ेगा तो उस समय क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, उस समय क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कम से ज्यादा होगा, कम से ज्यादा होगा, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम से ज्यादा होगा, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कभी भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस होगा। और अब दूसरी बात, अभी तक तो हम मैग्नेट को आगे और पीछे कर रहे थे, अब मैग्नेट को यही रखिए, क्वाइल को आगे पीछे कीजिए,
क्वाइल को भी आगे पीछे कीजिए, तो अगर क्वाइल को भी आगे पीछे कीजिएगा तब भी करंट इंड्यूस होगा, तब भी करंट इंड्यूस होगा, है ना, तब भी यहां पर करंट, यानी कि इफ देयर आर रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ, अगर ये मूव करे या फिर ये मूव करे, दोनों ही स्थिति में क्या होना है, करंट इंड्यूस होना है, और इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बताइए एनीवन, किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी बात है? एंड जब दोनों को एक साथ मूव करेंगे तब देखिए, तो जब दोनों को आप मूव कीजिएगा, जब दोनों को मूव कीजिएगा तो दोनों में क्या रिलेटिव मोशन क्या होगा, जब दोनों को आप मूव कर रहे हैं, जब दोनों को मूव कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप खुद से सोचिए, जब आप दोनों कुछ चीज को मूव कर रहे हैं तो यहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां पर ये क्वाइल है आपका, ये यहां पर क्वाइल है, ये आपका मैग्नेट है। अगर आप ये दोनों को रोटेट करना शुरू कर दीजिएगा, यहां पर सिर्फ एक चीज मायने रखता है, मैं वो भी बता रहा हूं, लेकिन एक बात आप पहले ध्यान में रखिए, हाँ आ रहे हैं उसमें भी, वाई करंट प्रोड्यूस, पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जरूर आएंगे, हम लोग डेफिनेटली आपका क्वेश्चन हम नोट कर लिए। आप ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो कि ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्यों करंट प्रोड्यूस कर रहा है ना, मूव करने से करंट कैसे प्रोड्यूस, यस वही मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूं।